मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला के अंतर्गत 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उद्यमियों को 35 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया। 1,500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए और 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर से स्पष्ट किया कि उनकी अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने प्रयागराज में माफिया के जमीन पर गरीबों के आवास बनाए, ऐसे ही आगे भी चलेगा। जिनके पास काम नहीं वो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने कार्य नहीं कारनामे किए वो लोग बोल रहे हैं। उनके समय में कहा जाता था लड़के हैं गलती कर जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसके लिए सुरक्षा जरूरी है। आजादी के बाद के भारत को आप सबने देखा है, खिसक खिसक कर किसी तरह से चल रहा था। जातिवाद क्षेत्रवाद के आधार पर बांटा जा रहा था। हमने 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। पानी बिजली उज्ज्वला योजना के तहत सबको लाभ मिला, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। आज यहाँ पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं के लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी आज यहाँ पर लगाया गया है, और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होगा। पहला भाइयों, विकास राज आपको दिखता है मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के नहीं।
योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि हम किसी को गुंडागर्दी करने की छूट नहीं देंगे। बहन बेटियों के साथ गलत बर्ताव करने वाले के लिए यमराज का दरवाजा खुला है। जाति के नाम पर इन लोगों ने हमें लड़ाया है। कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाराजा सुहेलदेव, महेंद्र सिंह के नाम पर हो या माता शाकुंभरी देवी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। कांग्रेस को केवल एक ही परिवार दिखाई देता था। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बेटी के साथ दुराचार किया। इन लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। वे समाज को बांट रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेश्रमी के साथ ये लोग कर्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेश्रमी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा